बिहार में सुशासन के दावों के बीच जमीनी हकीकत क्या है, इसका पोल अब विरोधी ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के ही विधायक खोलने लगे हैं। जदयू के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने खगड़िया के एसपी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपनी जान को खतरा बताते हुए कहा है कि खगड़िया के एसपी की अपराधियों के साथ उनकी मिलीभगत है और अब उन दोनों से ही डॉक्टर संजीव कुमार की जान को खतरा है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रमानंद सिंह के बेटे डॉक्टर संजीव कुमार परबत्ता विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचे हैं। डॉक्टर संजीव कुमार ने अपने ऊपर जान का खतरा बताते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। जेडीयू विधायक ने अपने जिले खगड़िया के एसपी अमितेश कुमार के कारनामों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखते हुए कहा है कि एसपी की अपराधियों से साठ गांठ है। जिले में जदयू के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, हथियारों पर कार्रवाई तक नहीं हो रही है, अब तो एसपी से मेरी जान पर खतरा पैदा हो गया है। विधायक ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में एसपी को लेकर कई दूसरी बातों का जिक्र किया है। उन्होंने मांग की है कि एसपी अमितेश कुमार अक्षम और भ्रष्ट हैं, लिहाजा उन्हें तुरंत हटाया जाए। जदयू विधायक ने एसपी के ऊपर कार्रवाई करने का भी आग्रह किया है। नीतीश कुमार को इस बात की जानकारी दी है कि एसपी के बारे में वो बिहार के डीजीपी को पहले से ही सब कुछ बता चुके हैं। जदयू विधायक ने कहा कि उन पर विधानसभा चुनाव में जानलेवा हमला हुआ था, 6 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है लेकिन एक अपराधी भी अभी तक पकड़ा नहीं गया, अब तक इस मामले का सुपरविजन भी नहीं हुआ है। जब एमएलए की स्थिति ये है तो आम आदमी के हालात कैसे होंगे अंदाजा खुद ही आप लगा सकते हैं। मैंने डीजीपी से अपराधियों की गिरफ्तारी के बारे में पूछा तो उनका कहना था कि एसपी साहब ने मना किया है। इलाके में जदयू के कई कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है लेकिन हथियारे खुलेआम घूम रहे हैं। विधायक एसपी पर इतने नाराज हैं कि उन्होंने जमकर भड़ास निकाली है। डॉक्टर संजीव कुमार ने कहा है कि मैं गलत होते नहीं देख सकता, आवाज़ उठाऊंगा भले ही किसी को बुरा लगे या भला। विधायक ने कहा कि अगला चुनाव मुझे लड़ना है, ये सोचकर मैं मोनी बाबा नहीं बनूंगा। उधर विधायक की तरफ से लगाए गए आरोपों पर एसपी अमितेश कुमार ने चुप्पी साध ली है। अमितेश कुमार ने इस पूरे मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अब मामला नीतीश कुमार के सामने है और आरोप जदयू के विधायक लगा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मामले पर क्या एक्शन लेते हैं।